और नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है सबको मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दिल्ली का सारांश, गाजियाबाद का पीनू। तो अभी हम लोग सो के उठे हैं और मैं अपने घर आ गया था, जैसे कि आप सबको पता ही है, और बहुत मज़ा आ रहा है घर आके। ऐसे ना होटल में आपको फीलिंग नहीं होती जैसे घर आके आपको लगता है एकदम फ्रीली। तो चलो फटाफट से मैं फ्रेश होता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। दिल्ली से हो जाना। मैं जा रहा हूँ गाय को लोई खिलाने, क्योंकि आज थर्सडे था, थर्सडे की पूजा हुई थी, तो गाय को वही लोई खिलाने जा रहा हूँ। चलो फटाफट से खिला के आता हूँ लोई। तो मैं अभी निकल लिया हूँ ट्यूशन के लिए, फटाफट से जाते हैं ट्यूशन, उसके बाद मैं सबसे मिलता हूँ। और घर पे आज मैंने बहुत सफाई करी, तो मैं दिखा नहीं चीज़ें, क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं था मेरा, पंखे भी साफ़ करे मैंने, मम्मी भी अभी घर पर डस्टिंग करी जाएंगे। तो चलो फटाफट से निकलते हैं ट्यूशन। तो अभी मेरी ट्यूशन की छुट्टी हो गई है, अब फटाफट से जाके घर पहुँचता हूँ। आज गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी बहुत लग रही है। चलो फटाफट से निकलते हैं घर के लिए, और भूख भी लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा। चलो घर पे आके कुछ खा लूँगी, तो मैं आपसे मिलता हूँ अब मैं घर जाकर। अभी घर के लिए जा रहा, तो मैं देखा कि बहुत सारे बंदर आ रखे हैं यहाँ पे। क्या बात है, कुछ बंदर रोड की उस साइड भी हैं। ओए बंदर मेरी तरफ आ रहा है, हमला ना कर दे। तो मैं फटाफट से घर के लिए निकलता हूँ। ओ भैया कितने सारे बंदर हैं, वो इसके ऊपर छोटा सा बच्चा भी है, कितना क्यूट लग रहा है। क्या बात है, क्या ही बात है, क्या ही बढ़िया सा दृश्य है। चलो बाय बाय। तो मैं भी आया था इस समय पार्क में थोड़ा सा वॉक करने के लिए, खेलने के लिए आया था। तो मैंने भी ऋषि को फ़ोन करा है, वो कह रहा है मैं भी आ रहा हूँ 5 मिनट में, और हो सकता है कि पुष्कर भी आए। तो ठीक है, खेल के फिर 6:30 पे जाना है मेरे को घर पर, और अब मम्मी को भी थोड़ा सा काम से ले जाना है सेक्टर 2। तो ठीक है, मैं फिर से मिलता हूँ घर। तो ये लोग अभी आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं यार, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मेरे को इन लोगों का वेट करते करते, नालायक आ ही नहीं रहे। ऋषि को तो मैंने कम से कम आधे घंटे पहले फ़ोन करके बोला था कि आ जा, मैं फिर अभी चले जाऊंगा 15 मिनट बाद। चलो देखते हैं, अभी 5 मिनट में आया तो ठीक है, और नहीं मैं तो फिर से फ़ोन करके मना ही कर दूंगा। और बाय द वे यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स भी दिख गए हैं मेरे को, हेलो। अभी बाहर आ गया हूँ, खेल के दूध पी रहा हूँ, तो पीनू की डांट पड़ रही है उसने। पीनू ने इसका ये तोड़ दिया, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। हमारे लिए नया गेमिंग हेडफोन मंगा दो। अबे यार कितना अच्छा साउंड आ रहा है, ऐसे लगा कर सकते थे। मैंने इसको अटका दिया उसके अंदर, चीजों की ना केयर कर ले। और वैसे ही मेरे नए हेडफोन पापा मेहनत से लेकर आते हैं, फ्री में नहीं मिल जाती है कोई चीज। पहले तो मम्मी मेरे से कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, फिर जैसे ही मैंने बोला चलो ठीक है तुम पैसे मेरे को दे दो मैं चली जाती हूँ, तो मतलब मैं चला जाता हूँ, सॉरी फॉर दिस, तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं मैं भी साथ चली हूँ। मतलब इन्हें अपने बेटे पे इतना भरोसा नहीं है कि बच्चा पैसे बचा के ले आएगा। आप कुछ कहना चाहेंगी? भरोसा तो पूरा है, मैंने कहा कि मैं जितना बताऊँगी आप उतना लाओगे, और मैं जाके थोड़ी सी 2-3 चीज़ और एक्स्ट्रा। तो फिर भी भाई बात तो भरोसे वाली आ जाती है ना, जबरदस्ती कुछ भी। चलते हैं सेक्टर 2। ओ गेट ज़्यादा खुल गया। अभी हम लोग आ गए हैं मंडी पे आलू वगैरह खरीदने के लिए, और हम आए तो सोच के कि 10 मिनट में चले आएंगे, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि हमें आधा घंटे से पहले लग जाएगा। चलो फटाफट से लेते हैं। हम लोग सिंगाड़े ले रहे हैं, हमें सिंगाड़े दिख गए थे, मेरे को बहुत पसंद है सिंगाड़ा, ले लिए तुमने? चले हम, अच्छे सिंगाड़े लग रहे हैं, चलो फटाफट। तो अभी मैं टेस्ट करने वाला हूँ, मीठा है, बहुत बढ़िया है। मैं चलते चलते भी एक बार उठा लाया था, मैंने कहा चलो टेस्ट ही कर लेंगे। चलो अभी हम लोग चलते चलते थक गए थे, हमने सोचा कि 10-10 रुपए के गोलगप्पे ही खा लें, तो अभी हम गोलगप्पे खाने के लिए रुके हैं। नहीं नहीं हम खा रहे हैं गोलगप्पे, खाओ खाओ खाओ, अच्छे से खाओ आराम से। लो लाइट भी जला दी मैंने, हम लोगों ने सब्जी वगैरह सारी ले ली है, और हम ले रहे थे सिर्फ आलू आए थे, लेकिन थैला बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, हमने को उठाने में दम लग रहा है। चलो जल्दी और किसी दुकान पर रुकेंगे। अभी हमारे डिनर आ गए, डिनर में बनाए मम्मी ने बैगन आलू की सब्ज़ी और रोटी, चलो बहुत टेस्टी है, चलो फटाफट से इसे खा लेते हैं। तो मैं अभी आ गया था सनसनी को घुमाने के लिए, खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सनसनी को भी घुमा देता हूँ, और मेरी भी वॉक हो जाएगी, तो मैं घुमा रहा हूँ। और बड़े अभी अभी वैसे आंटी घुमा लाई थी इसे, मैं सोचा मैं एक और बार घुमा लेता हूँ,
और आज जब मैं ट्यूशन जा रहा था सर, बड़ी अजीब सी रोने ऐसी आवाज़ निकाल रहा था कि खेलने मेरे साथ। मैंने कहा तब मेरे पास टाइम नहीं था, अब घुमा दो। ये देखो 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 कितनी तेज़ी से जा रहा है, तो फटाफट से घुमाते हैं इसे। इसे घुमा के ले आया और मैंने इसे घर पर भी छोड़ दिया है। खूब मस्ती करी इसने मेरे साथ और सनसनी ने दोस्त भी बना ली एक, लेकिन इसकी दोस्त इससे बहुत छोटी थी। क्यों सनसनी? सनसनी बहुत ज़्यादा ही थक गया, आप देखो छिपकली बन के लेट गया है। अब बारी इस ब्लॉग को एंड करने की। ब्लॉग मस्त आया तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब करना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना। ठीक है, आज के लिए हो गया, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। मिले हैं कल सुबह एक नए रखते रखते ब्लॉग के साथ। और इसने अभी जो मेरे को डराया, इसे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डर जाऊँगा जैसे कुलधरा में डरा था, लेकिन मैं नहीं डरूंगा।